हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी के पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, साथ ही ये बहुत ही झटपट बन जाता है। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ली हूँ बंदा गोभी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने पत्ता गोभी को इस तरह से काट लिया है। साथ ही ली हूँ प्याज। देखिए फ्रेंड्स, प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया है। साथ ही ली हूँ हरी मिर्च, अदरक और चावल का आटा। तो फ्रेंड्स, अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें सबसे पहले डाल लेंगे पत्ता गोभी को। तो इस तरह से पत्ता गोभी डाल लेना है और अब मैं इसके ऊपर डाल लूँगी प्याज। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ अदरक, साथ ही मिला ले रही हूँ हरी मिर्च और अब इसमें मैं मिला लूँगी नमक। तो स्वाद अनुसार नमक डाल लें। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ काला जीरा। और अब इसमें मैं डाल लूँगी चीनी। फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। साथ ही इसमें डाल ले रही हूँ हल्दी पाउडर। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ जीरा और लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ चावल का आटा। तो इस तरह से चावल का आटा डाल लेना है। साथ ही इसमें मिला लेने जा रही हूँ बेसन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बेसन डाल लेंगे और अब हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हाथों से अच्छे से मिला लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक इस तरह से थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड कर इसे अच्छे से हम मिला लेंगे दोस्तों, ठीक इसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हाथों से मिला लेना है। तो देखिए, ये अच्छे से मिल गया है और अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गया है, तो चलिए ढक्कन खोल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे तरीका से सेट हो गया है। एक बार इसे वापस से हाथों से फिर से मिला लेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो मैंने इसे अच्छे से मिला लिया और अब हम एक कढ़ाही लेंगे। कढ़ाही में डाल ले रही हूँ सरसों तेल। तो फ्रेंड्स, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है। तो इसमें हम पकौड़े तलने के लिए एक एक करके इस तरह से डाल देंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से। तो इसी तरह से मैंने डाल दिए और अब इसे हम एक तरफ फ्राई होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे हम पलट लेते हैं, ताकि ये दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो एक एक करके हम सभी पकौड़े को पलट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी को पलट लिया और दूसरी तरफ भी फ्राई होने का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम तेल को छानकर इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे पकौड़े निकाल लिए और बचे हुए पकौड़े को इसी तेल में हम तलने के लिए एक एक करके डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे बचे हुए पकौड़े यहाँ पे तलने के लिए डाल दिए और ये देखिए, एक तरफ से फ्राई हो गया। तो दूसरी तरफ पलट लेंगे। तो इसी तरह से ये दोनों तरफ से फ्राई हो गया। तो चलिए अब तेल को छानकर इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरह से मैंने सारे पकौड़े को निकाल लिया। तो तैयार है पत्ता गोभी के पकौड़े। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास ही में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें, ताकि मेरी न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।